हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सब लोग कैसे हैं? आप लोग आशा करते अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह आपको मैंने क्या दर्शन करवा दिए आप लोग सोच रहे होंगे। तो आज हम लोग सुबह सुबह, आज संडे है, तो संडे में तो थोड़ा फंडे भी होता है, थोड़ा अच्छा खासा खाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं मटन लेने आई हूँ और मुझे नहीं पता था कि दीदी वीडियो ले रही है पीछे खड़ा होकर। तो यहाँ पर मैं लेने आई थी मटन, तो मैं वही सोच रही हूँ मैं कहाँ से क्या लूँ ना लूँ। तो मैं उनको वही बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे यहाँ का पीस चाहिए, क्योंकि मुझे चर्बी चाहिए लेकिन बेसी चर्बी नहीं चाहिए, कम चर्बी में चाहिए मुझे। तो वही बात मैं बोल रही हूँ उनको। और आज जैसे कि हम लोग का प्लानिंग था कि हम लोग मटन लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा गंगा जी नहाने, जितना भी पाप है थोड़ा धुल के आते हैं आज तक का। तो वहीं पे हम लोग सोचा कि चलो चलते हैं थोड़ा गंगा जी। नव्या भी गंगा गंगा कर रही थी कि गंगा में नहाना, स्विमिंग पूल में नहाना, तो मैंने कहा भी स्विमिंग पूल तो नहीं जा सकते, चलो गंगा जी सामने ही हम लोग का मायके से। हम गंगा जी एकदम सामने ही पड़ता है, तो लेकिन मैं वहाँ मायके के नज़दीक वाला नहीं जाऊँगी, मैं अपने ससुराल के नज़दीक जो था, मतलब जो पुराना मेरा ससुराल था जहाँ पर हम पुराने घर में रहते थे, वहाँ से नज़दीक जो गंगा हम लोग वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे नव्या देखिए क्या कर रही है, थोड़ा मस्ती भी तो जरूरी है ना जाने से पहले। तो देखिए हम लोग क्या कर रही है, देखिए পুরো গঙ্গাধর অবধি ভিডিও করব। আমি কোথায় বসবো গো? जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग शौक बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गंगा जी। तो मैं यहाँ पे आधे रास्ते में उतर गई थी क्योंकि मुझे रिंकी दी को लेके आना था साथ में। तो हम लोग अपना थोड़ा सा आधे रास्ते में नहीं, बहुत नज़दीक ही उतरे थे। यहाँ पे देखिए किसका बच्चा, लोग यहाँ पे नंग धड़ंग घूम रहा है, पता नहीं किसका बच्चा, मुझे तो नहीं पता है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है आकाश, पानी के ऊपर इतना सुंदर लग रहा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा वेदर में, कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ख़राब हो गया, वो चीज़ ये था ना कि गंगा का पानी जो वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों लोग को लेकर, क्योंकि हम लोग तो उतर जाएंगे लेकिन बच्चा लोग संभाल नहीं पाएगा ना खुद को, इसकी वजह से हम लोग ऊपर ही बैठ के नहाना पड़ा, ज़्यादा नीचे हम लोग जा नहीं पाए थे। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर ही है, ज़्यादा नीचे नहीं है एकदम, और भी बहुत साफ, लेकिन हाँ इतना है कि साफ़ पानी है पूरा, एकदम पूरा क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन जो कहते हैं। तो बहुत ही साफ़ पानी है लेकिन बहुत ही नीचे, देखिए ये जो है ना बक्का में दीदी जहाँ बैठी हुई थी उतना दूर मतलब उससे भी ऊँचा पानी रहता है, बहुत ऊँचा पानी रहता है, लेकिन आज पानी ही नहीं है ज़्यादा उतना। तो यहाँ पे नव्या जो है वो थोड़ा डर भी रही है क्योंकि नीचे जो है उसको गादा मिल रहा है, मतलब माटी माटी है ना, मट्टी मट्टी, इसलिए उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इन्जॉय करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आस्ते आस्ते वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो मैं रिंकी दी को ले, जैसे कहा मैंने रिंकी दी को मैं लेने गई थी, तो हम लोग सबको आए यहाँ पर नहाने के लिए गंगा जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है गंगा जी में नहाना, बहुत मतलब मैं बहुत पसंद करती थी पहले जब हम लोग रांची में रहते ना, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था गंगा, जब हम लोग कोलकाता रहते तो यहाँ पर गंगा जी नहाने, मतलब वो अलग ही एक दिन था। लेकिन आज तो मतलब गंगा जी इतने पास रहने के बावजूद भी हम लोगों को समय नहीं मिलता है कि गंगा जी आए आके हम लोग थोड़ा सा नहाए यहाँ पे आके, तो अच्छा लगता है मुझे। स्विमिंग पूल समुंदर वो सब तो है ही, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि ना कुछ दिन पहले ही खबर आया था कि मगरमच्छ देखिए मिला था गंगा में, दिखने मिला था, वो सब मेरे माइंड में घूम रहा था, मुझे डर भी लग रहा थोड़ा थोड़ा, तो मैं थोड़ा थोड़ा पकड़ पकड़ के, देखिए बच्चे को पकड़ के मैं आगे जा रही थी, डरा भी रहा बहुत।
तो यहाँ पे बहुत मस्ती किए हम लोग, यहाँ पे बहुत मस्ती किए, मतलब देख ही रहोगे आप लोग कितना मस्ती किया हम लोग। तो ये देखिए मैं बैठ गई हूँ, ऑलमोस्ट क्या, मैं थोड़ा सा बैठ रही हूँ क्योंकि डर भी लग रहा था। देखिए बदमाशी कर रही है। तो यहाँ एक चीज़ है ना कि मायके में आने से मुझे नव्या का टेंशन नहीं रहता उतना, क्योंकि इतना कोई आदमी है ना घर में कि वो सब कुछ संभाल लेता है नव्या को। मैं अकेले एकदम मौज में रहती हूँ पूरा, नव्या को एकदम सब संभालता है वो लोग, दीदी लोग, निंगी भी संभालती है बहुत अच्छे से, तो ये संभाल लेती है, तो फिर मुझे उतना टेंशन नहीं रहता नव्या का। तो फिर मैं अपना थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन हस्बैंड के बिना ही स्पेंड करती हूँ अकेले अकेले। तो मज़ा आता है सबको, जब साथ में रहता है तो सबको अलग अलग, मतलब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नव्या को सावधान में रखना, तो मैंने कहा कि नव्या को ही सबको देखना, घेर के रखेगा, दोनों बच्चा को भूल जाएगा लेकिन नव्या को कोई नहीं भूलेगा। देखिए कैमरा में हाथ लगा दिया, इसको खुद भी नहीं पता कि कैमरा में उसका हाथ है। तो सब कुछ सोच रहे क्या करें, मतलब बच्चा लोग है ना नॉर्मली सब कुछ सोच रहा थोड़ा आगे जाए कि नहीं, लोग बोल रहे हैं कि तुम चल जाओ ऊपर थोड़ा सा, हम लोग सामने जाके आते तो कोई नहीं उठेगा, कोई भी नहीं, सबको एकदम हम लोग के साथ ही एकदम नीचे ही रहना है, यहीं पे रहना है। तो बस उन लोग बच्चों के साथ, हम लोग भी बच्चे बन गए थे, नीचे मतलब सामने ही बैठ के नहा लीजिए तो नाम, लेकिन जब इन लोग उठा दिए थे ऊपर, फिर हम और रिंकी भी जाकर सामने जाकर डुबकी लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गंगा जी मारे से डुबकी लगाना चाहिए, तो बस सामने जाके हम लोग डुबकी लगाए थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ देर के लिए हम लोग थोड़ा डर भी गए थे, क्योंकि ना एक बड़ा सा एक नारियल का जो खोला होता है ना वो बह रहा था, तो हम तो डर गए थे बहुत ज़ोर से कि ये क्या हो रहा है रे भाई। तो यहाँ पर नव्या मेरे साथ मस्ती कर रही है कि उसको पानी से नहीं निकलना चाहिए, अब सबको निकल जा रहा है, दोनों भाई निकल कर फिर घुस गया अंदर, क्योंकि नव्या नहीं निकल रही तो उन्हें भी नहीं निकलेगा, तो नव्या नहीं निकली, उसको निकलना एकदम सबके लास्ट में, और बहुत नहाना उसको बोल रही है, मुझे बहुत नहाना है, मुझे और नहाना है, और नहाना किए जा रही है कल ही। तो दीदी का हो गया है नहाना, हम लोग सबका एक एक करके अब हम उठ चुके हैं, अब हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग जो था वो यहीं तक था, और यहाँ तक क्यों था ये भी मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि मेरा तबीयत जो है वो अचानक से ख़राब हो गया, नहाने की वजह से नहीं, एक्चुअली मैंने मटन वटन खाया था तो मेरी तबीयत ख़राब लग रहा था, बहुत ज़्यादा सफोकेशन मुझे फील हो रहा था। तो आज मदर्स डे भी था, मेरे सोचा था केक वेक लेके आएंगे, सबको काटेंगे, दीदी मम्मी लोग सबको मिलकर काटेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैं सोच रही हूँ कि कल कोशिश करूँगी कि एक केक लेके आकर काट दूँ, मैटर नहीं करता, देर मैटर नहीं करता, फीलिंग से रहना चाहिए, वही मैटर बहुत बड़ा मैटर करता है। तो बस वही सोच रही हूँ, कल भी मुझे थोड़ा जाना है क्योंकि रिंकी दी घर में कल पूजा है, तो कैसे क्या होगा कल आपको फुल ब्लॉग मिलेगा फिर से कि रिंकी दी घर में कैसे पूजा हो रहा, क्या पूजा है नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँगी। तो यहाँ पर नव्या मस्ती कर रही है, अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे, मैं ससुराल जा रही हूँ, मैं मेरा मायके का सफ़र यहीं तक ख़त्म हो गया है, तो अब आपको मेरा ससुराल का सफ़र मिलेगा। सो बाय बाय।